फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर सामान्य ज्ञान के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, जो सौर मंडल के अबाउट्स में है। कुछ ऐसे क्वेश्चन का हम संग्रह किया हुआ है जो बार बार एग्जामिनेशन में पूछा गया है और आगामी एग्जामिनेशन में भी पूछा जाएगा। और ये वीडियो बहुत ही डिटेल में होने वाला है, जिस वजह से आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे इस वीडियो को देखने के बाद। तो फ्रेंड्स, एक रिक्वेस्ट करूंगा, इस वीडियो को प्लीज पूरा देखिएगा, अंत तक देखिएगा, क्योंकि आप पूरा देखेंगे तभी आपको पूरी तरीके से समझ में आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्वागत है आपका एजुकेशन फॉर यू में। मेरा नाम है आशीष चौरसिया और आज हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पे सौर मंडल्स के अबाउट्स में। तो आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन बनता है, सौर मंडल क्या है? सबसे पहले हम ये जानेंगे सौर मंडल क्या है। तो सौर मंडल में सूर्य जो होता है एक प्रधान है, जिस तरह एक स्कूल में एक प्रिंसिपल प्रधान होता है, उसी तरह सौर मंडल में सूर्य जो है वह प्रधान है। और सौर मंडल का निर्माण कैसे होता है? तो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले कुछ ग्रह होते हैं, कुछ धूमकेतु होती हैं, कुछ शुद्र ग्रह होते हैं, कुछ उल्काएं होती हैं और कुछ अन्य आकाशीय पिंड होते हैं। ये सब मिलके सौर मंडल का निर्माण करते हैं। तो पहला जो हमारा सौर मंडल में सबसे बड़ा जो या प्रधान हम कह सकते हैं वह है सन, और उसे हम जानते हैं सूर्य के नाम से। तो सूर्य भी एक तारा है। सबसे पहली बात तो ये पूछा जाता है कई कई एग्जामिनेशन में कि सूर्य भी एक तारा है। और जो ग्रह होते हैं ये पश्चिम से पूर्व की ओर परिक्रमा करते हैं। बहुत सारे एग्जामिनेशन में ऑलरेडी पूछा जा चुका है ग्रह लोग कैसी परिक्रमा करते हैं, पश्चिम से पूर्व की ओर। लेकिन कुछ दो ग्रह ऐसे होते हैं जैसे शुक्र और हम ले लें यहाँ पे अरुण को, तो ये इस सभी ग्रहों की अपेक्षा उल्टी परिक्रमा करते हैं, ये पूर्व से पश्चिम की ओर करते हैं। इज इट क्लियर फ्रेंड्स? अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, क्योंकि लाइक से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें फॉर रेगुलर अपडेट्स। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगर आप सूर्य से ग्रह की दूरी देखते हैं तो बुध जो होता है वह सूर्य के सबसे निकट का ग्रह होता है। सेकेंड नंबर में आता है शुक्र, तीसरे नंबर में आता है हमारी पृथ्वी जहाँ पर हम रहते हैं, चौथे नंबर में मंगल, पांचवें नंबर में आता है बृहस्पति, सिक्स्थ में आता है शनि, फिर आता है अरुण और फिर आ जाता है वरुण। ग्रहों का आकार अगर हम घटते क्रम पे देखें तो आपको सभी को पता है कि बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है। तो बृहस्पति पहले आता है, शनि दूसरे में, अरुण फिर वरुण, और हमारी पृथ्वी का नंबर लगता है पांचवा, पांचवें स्थान पे है। अगर आकार से घटता हुआ देखोगे तो पांचवें स्थान में कुछ एग्जामिनेशन में पूछा गया है। ये शुक्र है, उसके बाद मंगल और बुध। अगर आकार की आप बात करेंगे तो बुध जो होता है सबसे छोटा ग्रह होता है और बृहस्पति जो होता है वह सबसे बड़ा ग्रह होता है, ये भी आप याद रखेंगे। और आकार की दृष्टि से आप देखेंगे तो हमारे पृथ्वी का जो स्थान है वो कौन सा स्थान आ रहा है? आपका पांचवा स्थान है। सूर्य से अगर पृथ्वी पर प्रकाश आने का जो समय है 8 मिनट 17 सेकंड या 18 सेकंड के आसपास आप मान सकते हैं इसको, 8 मिनट 17 सेकंड में पृथ्वी तक पहुंचता है, सोचिए कितना दूर होगा सन। अगर इसकी आयु आप देखें सूर्य की, तो लगभग 5 बिलियन ईयर्स इसकी आयु मानी गई है। कितनी? 5 बिलियन ईयर्स। सूर्य में अगर आप देखेंगे तो हाइड्रोजन सबसे ज्यादा होता है 71%, फिर हीलियम होता है 26.5% और अन्य होती है इसमें 2.5%, और ये सारा जो होता है एक प्रकार का रासायनिक मिश्रण होता है। सूर्य सहित सभी तारों में हाइड्रोजन और हीलियम के मिश्रण का संलयन अभिक्रिया होती है। अगर सूर्य में भी होती है और सभी तारों में भी ये अभिक्रिया। सूर्य से हम पृथ्वी की न्यूनतम दूरी अगर हम देखें तो 14.70 करोड़ किलोमीटर होती है, अधिकतम देखें तो 15.21 करोड़ किलोमीटर होती है, और इसका व्यास अगर आप देखें तो 13,92,000 किलोमीटर के आसपास इसका व्यास रहता है। आगे चले हम। सूर्य में हल्के हल्के धब्बे दिखाई देते हैं, ये क्वेश्चन आईएमपी है, ये जो काले काले धब्बे दिखाई देते हैं सूर्य में हल्के हल्के, उसे हम सौर कलन कहते हैं, ठीक है, ये याद रहेगा आपको। और कुछ चुंबक विकिरण उत्सर्जित करते हैं जिसके कारण जो पृथ्वी की संचार व्यवस्था है थोड़ी सी गड़बड़ा जाती है या खराब संचार व्यवस्था इसमें होती है। कुछ खगोलीय पिंड, उन ग्रह को खगोलीय पिंड भी कहा जाता है जो निश्चित मार्ग में सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं, तो उन ग्रह को क्या कहते हैं? खगोलीय पिंड के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास बुध, मतलब मरकुरी।
तो बुध के लिए भी काफी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है। प्लीज वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा, वीडियो लंबा तो होगा जरूर, डिटेल वाले जो भी वीडियोस होते हैं वो लंबे हो जाते हैं, सॉरी फॉर दैट, पर प्लीज पूरा वॉच कीजिए। आप ये सौरमंडल का सबसे छोटा और सूर्य के सबसे निकट का ग्रह है। अगर आप बुध को देखेंगे तो पूरे सौरमंडल में कैसा है, सबसे छोटा है, पूछा जा सकता है क्वेश्चन आपको, और निकट का भी है तो इससे याद रहेगा, पास में भी है और सबसे छोटा भी है। अगर सूर्य की परिक्रमा का की हम बात करें तो बुध एक ऐसा ग्रह है जो सबसे कम समय लेता है, सिर्फ 88 दिन में ही सूर्य की परिक्रमा को पूरा कर देता है, और सबसे कम समय लेने वाला ग्रह इसे कहते हैं। और एक खास बात और भी है बुध में कि इसका कोई भी उपग्रह नहीं है। ऐसा पूछा जा सकता है कि ऐसा कौन सा ग्रह है जिसका कोई भी उपग्रह नहीं है, तो वो है बुध उपग्रह। इस ग्रह पर वायुमंडल नहीं है जिसमें जीवन संभव नहीं है। आपको पता है एकमात्र ग्रह है हमारा जो पृथ्वी, जहाँ पे जीवन संभव है, तो वायुमंडल ना होने के कारण बुध में जीवन संभव नहीं है। पृथ्वी के आकार से अगर हम देखें इसे तो 18 गुना छोटा है बुध। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल का 3/8 वह भाग होता है बुध का गुरुत्वाकर्षण बल, और घूर्णन काल अगर हम देखें तो 58.6 दिन में उसका घूर्णन काल कंप्लीट होता है। और मैरिनेट जो है 10, बुध का एक कृत्रिम उपग्रह है, जो मैरिनेट 10 है ये कृत्रिम है। नेक्स्ट हम बातें करेंगे यहाँ पे शुक्र के अबाउट्स में। तो फ्रेंड्स आपको इन्फॉर्मेशन दे दूँ मैं यहाँ पे कि अगर आप मैथ्स सीखना चाहते हैं तो हमारा एक अदर चैनल है, इजी है मैथ्स। आपको सिंपली इजी है मैथ सर्च करना है, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी जाएगी, वहाँ उस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मैथ्स सीखिए, वो भी बिल्कुल फ्री। और अगर ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक से हमारा शुक्र। तो सौरमंडल में अगर आपसे पूछा गया है सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है तो वो है शुक्र, सबसे गर्म ग्रह कौन सा है तो वो है शुक्र। इसका तापमान अगर आप देखेंगे तो लगभग 500 सेंटीग्रेड इसका तापमान होता है। सूर्य की परिक्रमा करने में 255 दिन का समय लेता है ये, ठीक है। काफ़ी क्वेश्चन यहाँ से बन जा रहे हैं आपके, देखो चमकीला गर्म टेम्परेचर मिल जाता है आपको, कितने दिन परिक्रमा करने में ले रहा है ये मिल जाता है। शुक्र अन्य ग्रह के विपरीत दिशा में पूर्व से पश्चिम की सूर्य की परिक्रमा करता है, जिस तरह अरुण भी विपरीत दिशा में परिक्रमा करता है, उसी तरह जो शुक्र होता है वे भी अलग दिशाओं में, सारे ग्रह जो होते हैं पश्चिम से पूर्व की ओर, ये पूर्व से पश्चिम की ओर परिक्रमा करते हैं, इसलिए इसका जो सूर्योदय होता है ये पश्चिम में होता है और सूर्यास्त जो होता है वह पूरब में होता है, जस्ट हमारी पृथ्वी से उल्टा। इसके वायुमंडल में लगभग 95% कार्बन और डाइऑक्साइड और जो CO2 की मात्रा है, और 3.5 इसमें नाइट्रोजन आपको देखने को मिलता है। शुक्र पृथ्वी की सबसे निकट का ग्रह है। अगर आप शुक्र को देखोगे तो ये पृथ्वी का सबसे निकट का ग्रह है। और भी क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं, अगर सांझ का तारा मतलब शाम का तारा, भौर का तारा मतलब सुबह का तारा भी सूर्य को ही का शुक्र ही कहा जाता है। तो फ्रेंड्स काफ़ी क्वेश्चन इससे बन रहे हैं, आप थोड़ा सा आप पूरा वॉच कीजिएगा। फिर से मैं बोल रहा हूँ आपको, शुक्र को पृथ्वी की बहन, अगर शुक्र जो है वो उसे पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है। आकार घनत्व की हम बात करें, व्यास की बात करें, तो लगभग पृथ्वी के समान ही इसका आकार है, घनत्व है और इसका व्यास है, और पृथ्वी की बहन भी इसे कहा जाता है। और इसकी एक खास बात ये भी है कि इसका भी कोई उपग्रह नहीं है, और सूर्य और पृथ्वी के बीच में होने के कारण इसे अंत ग्रह की श्रेणी में भी रखा गया है। अब आ जाता है सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स, जहां पे आप रहते हो अर्थ। तो फ्रेंड्स इसके बारे में भी कुछ ऐसे फैक्ट्स होने वाले हैं जो आपको नहीं पता है, तो प्लीज इस वीडियो को पूरा देखिए आप और अपना नॉलेज बढ़ाते रहिए, और किसी भी प्रकार का सजेशन हो तो प्लीज वीडियो में लिखना ना भूलें। तो सौरमंडल का एकमात्र ग्रह जहां पर जीवन पॉसिबल है वो है हमारा अर्थ, पृथ्वी। सूर्य की अगर दूरी से हम देखें तो तीसरे स्थान पर है अर्थ। अगर दूरी आप देखें सूर्य से तो कौन से स्थान पे है अर्थ, तीसरे स्थान पे है अर्थ। अगर हम आगे चलें इसी में, हम आकार व द्रव्यमान की बात करें तो आकार व द्रव्यमान में हम देखें तो हमारा अर्थ जो है वह 5वें स्थान पे है। पृथ्वी पर जल की उपस्थिति ज़्यादा है जिसके कारण आंतरिक से नीली दिखाई देती है, ये पानी होने के कारण।
जो पृथ्वी है वह आंतरिक से अगर देखो तो नीले रंग की दिखाई देती है, इसलिए इसे नीले ग्रह की संज्ञा दी गई है या पृथ्वी को नीला ग्रह कहा गया है। पृथ्वी में अगर देखें तो 71 भाग में आपको सिर्फ पानी मिलेगा और 29% में आपको यहाँ पे स्तर मिल जाता है, बाकी 71% जल से घिरा हुआ है। यह है अपने अक्ष पर 23.5 हम बोले या 23.5 झुकी हुई है, जिसके कारण क्या होता है, ऋतुओं में परिवर्तन होता है। कई बार पूछा गया है ऋतुओं में परिवर्तन किस कारण से होता है, RRB के एग्जामिनेशन में, SSC के एग्जामिनेशन में भी पूछा गया है क्वेश्चन। तो पृथ्वी अपने अक्ष में जो झुकी है उसके कारण क्या होता है, आपका ऋतु में परिवर्तन होता है, जो 23.1/2 झुकी हुई है। चलते हैं नेक्स्ट। पश्चिम से पूर्व अपने अक्ष पर ये लगभग जो है 1610 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकेंड में चक्कर लगा लेती है। पहले तो आप ये देखिए किस डायरेक्शन में लगा रही है वह, पश्चिम से पूर्व किस चाल से लगा रही है वह पूछा जा सकता है बड़े बड़े एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन, कि 1610 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वह चक्कर लगा रही है, ऐसा करने में वह 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकेंड के अंदर चक्कर पूरा कर लेती है। पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा दीर्घ वृत्ताकार पथ में 92.72 किलोमीटर प्रति सेकेंड की चाल से 365 दिन 5 घंटे 18 मिनट और 46 सेकेंड में पूरा कर लेती है। पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में लगे समय को हम एक सौर वर्ष बोलते हैं। अगर पृथ्वी एक जितने समय में भी सूर्य की परिक्रमा कर रही है उसे सौर वर्ष के नाम पे जाना जाता है। तो फ्रेंड्स कैसा लग रहा है आपको ये वीडियो, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। सूर्य से पृथ्वी की औसत दूरी 15 करोड़ किलोमीटर है। 3 जनवरी को सूर्य पृथ्वी से सबसे निकट होता है। आप सबसे पहले यहाँ पे नोट डाउन कर लीजिए कि 3 जनवरी को जो देखेंगे आप तो सूर्य जो होगा पृथ्वी के सबसे निकट होगा और लगभग वो 14.70 करोड़ किलोमीटर के आसपास दूरी में होता है। और इस अवस्था जो रहेगी काफ़ी इम्पोर्टेंट, बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इस अवस्था को जो होगा उसे हम क्या कहेंगे, उपसौर कहेंगे। कब की अवस्था है ये एक बार फिर से हम इसको देख लेते हैं। यहाँ देखिए 3 जनवरी को जब क्या होगा, पृथ्वी सूर्य से सबसे निकट होगी। अगर निकट की अवस्था है तो क्या होगी ये, उपसौर। अगर दूर की अवस्था आएगी तो अभी हम देखेंगे उसे हम अपसौर कहेंगे। पृथ्वी 4 जुलाई को सूर्य से अधिक दूरी में होती है। कब होती है दूरी में, 4 जुलाई को, 4th जुलाई को सबसे दूर होती है। और अगर आप देखिए लगभग 15.21 करोड़ किलोमीटर दूरी में होती है और इस अवस्था को हम अपसौर कहते हैं। नोट डाउन कर लीजिए, जब दूरी की अवस्था हो 4 जुलाई को अपसौर, और जब पास की अवस्था हो तो उसे हम उपसौर कहेंगे। इज दैट क्लियर। सूर्य के प्रकाश पृथ्वी में 8 मिनट और जो मैंने बताया अभी 17 सेकेंड के आसपास पहुंचता है, जबकि चंद्रमा का प्रकाश आप देखें तो 1 मिनट 25 सेकेंड में ही अर्थ में पहुंच जाता है। पृथ्वी के सबसे निकट का तारा सूर्य के बाद जो है प्रोक्सिमा सेंचुरी है, और इसका लगभग 4.22 प्रकाश वर्ष दूर है। पृथ्वी एकमात्र उपग्रह अगर आप देखेंगे तो वो है हमारा चंद्रमा। चलिए डिस्कस कर लेते हैं चंद्रमा के बारे में भी बिना समय गवाए। चंद्रमा जिसे मून कहा जाता है आपको जैसा पता है, यह एक छोटा सा पिंड है जो आकार में पृथ्वी का 1/4 है। आकार में कैसा है पृथ्वी देखेंगे तो 1/4 है आकार में, वह 1/4। चंद्रमा का अध्ययन करने वाले विज्ञान जो है उसे हम सेलेनोलॉजी कहते हैं। याद रहेगा आपको, नहीं तो नोट डाउन करते जाइए आप। या इस वीडियो का अगर PDF चाहिए तो भी कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं कोशिश करूंगा आपको वीडियो PDF अवेलेबल कराने की। चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा जो है 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट और 15 सेकेंड में पूरा कर लेता है। इसका इतने ही समय में वह अपने अक्ष में भी घूर्णन करता है, मतलब उसका अक्ष का जो घूर्णन का समय है वो इस समय से सेम है। पृथ्वी चंद्रमा का एक ही भाग दिखाई देता है, इसी कारण है क्योंकि वो दोनों की जो घूर्णन क्षमता है वो सेम है, इसलिए वो चंद्रमा का एक ही भाग दिखाई देता है। इसकी औसत दूरी आप देखें तो 38,465 किलोमीटर के आसपास है। और पृथ्वी चंद्रमा महीने में 2 बार समकोण बनाते हैं। कितने बार बनाते हैं ये, 2 बार समकोण बनाते हैं। चंद्र ग्रहण
पूर्णिमा को होता है, चंद्र ग्रहण कब होता है आपको देखने को मिलता है, ये पूर्णिमा में जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में क्या आ जाती है, पृथ्वी आ जाती है। चंद्रमा का व्यास लगभग 3476 और त्रिज्या 1738 किलोमीटर है। सूर्य के संदर्भ में चंद्रमा की परिक्रमा अवधि को साइनोकोडिक्स मास या चंद्रमास कहते हैं। चंद्रमा को जीवाश्म ग्रह भी कहा जाता है, ये काफी कम लोगों को पता है, नोट डाउन कर लेंगे आप। चंद्रमा पर जुलाई 1969 को अपोलो सेकेंड अंतरिक्ष यान में नील आर्मस्ट्रांग और एडविन गए थे, जिन्होंने पहली बार चंद्रमा में कदम रखा था। सभी को पता है नील आर्मस्ट्रांग गए थे, पर एडविन का बहुत कम लोगों को पता है, तो प्लीज इसे भी नोट डाउन कर लीजिए। और बाकी के ग्रह हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है, इसमें मोर देन 100 लाइक्स आती है, तो ही मैं सेकेंड वीडियो पब्लिश करूंगा, क्योंकि आपको जो वीडियो पसंद आए वही वीडियो मुझे पब्लिश करना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। तो फ्रेंड्स, वीडियो पूरा देखा आपने, इसके लिए थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इसी तरह अच्छे अच्छे वीडियोस हम आपके लिए लाते रहेंगे, हमारा मोटिवेशन बढ़ाते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।